पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे ना, फ़ोन होता था, टिपिकल फ़ोन जिसमें एक डायल होता था, आप डायल करेंगे, फिर एक रिसीवर पे आप हेलो बात करेंगे, तो आप क्या करते थे उस इंसान को ब्लॉक करने के लिए या उसे डिटैच होने के लिए? याद करो, हाय मेरा नाम जिया है। डिटैचमेंट, अटैचमेंट की एक्सपायरी डेट जब नज़दीक आती है तो इंसान से हम डिटैच होना चाहते हैं, मतलब उस रिश्ते का जाना अब ज़रूरी है। जब पहले के ज़माने में वो ट्रेडिशनल फ़ोन हुआ करते थे जिसमें डायल और रिसीवर होता था, तो हम अगर हमें किसी से बात नहीं करनी और हमें पता हो कि इस टाइम पे उसका फ़ोन आना होता था, तो हम रिसीवर उठा के साइड पर रख देते थे। वो ट्रेडिशनल वे था किसी से डिटैच होने का या उसे ब्लॉक कर देने का। पर आज के ज़माने में सिंपल, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दो, अपनी मोबाइल की फ़ोन लाइब्रेरी से डिलीट कर दो, अपनी लाइफ का एक्सेस उसे मत दो, और हम सोचते हैं कि हम डिटैच हो जाते हैं, पर एक्चुअली में हम डिटैच नहीं होते। तो हाउ टू डिटैच, किसी भी इंसान को आप अपनी ज़िंदगी से कैसे डिटैच कर सकते हो? मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि आप कितना भी ब्लॉक म्यूट बटन दबा दो, अगर वो इंसान यहाँ पे चल रहा है तो वो आपकी लाइफ से कभी गया ही नहीं। आप भले ऐसा सोच रहे हो कि उसको मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता, पर आप तो उसके बारे में सोच रहे हो ना। तो सबसे पहले अगर किसी को ब्लॉक करना चाहते हो, अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आप उस इंसान को आपकी लाइफ के बारे में या कोई भी एक्सेसिबिलिटी आप ज़ीरो करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसे यहाँ से डिलीट करो। यहाँ से डिलीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके बारे में ना सोचना, उसकी कही हुई बातों का बुरा ना लगना, उसकी प्रेजेंस का कोई असर ना होना। और मैक्सिमम टाइम पे हम कैसे ब्लॉक करते हैं, कैसे लोगों से रिश्ता तोड़ते हैं, बिगाड़ते हैं, कन्फ्रंट्रेशन करते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, बहुत खट्टा कर देते हैं रिश्ता, फिर वो कड़वापन पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहता है, और कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में भी वो निकल जाता है। ऐसा ना करके आप कैसे किसी से डिटैच हो सकते हैं? अगर आप सचमुच किसी से डिटैच होना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़, आपको अब उस इंसान की प्रेजेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका होना ना होना सब बराबर हो गया है, तो आप डिटैच हो सकते हैं। उसके बोले हुए शब्द अब आपको हर्ट नहीं करते, अब आपको बुरा नहीं लगता, तो आप डिटैच हो सकते हैं। और इस इंसान के साथ बिना रिश्ता बिगाड़े, कड़वापन लिए, अगर उस इंसान के साथ रहकर भी अब आप अफेक्ट नहीं हो रहे हो, तो आप डिटैच हो रहे हो। ये बहुत ज़रूरी होता है डिटैचमेंट, जब आपको लगे कि ये रिश्ता आपको बहुत हार्मफुल कर रहा है, आपके मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको डिटैचमेंट करना चाहिए। और ये जो मैंने कहा तीन चीज़ें, ये रातों रात नहीं होगी। आपको हर रोज़ उसके थॉट आएंगे, आप हर रोज़ चाहेंगे कि आप उसके बारे में ना सोचें, आप उसके साथ रिश्ता तोड़ चुके हैं, अब आपको उसके साथ बात नहीं करनी है, या आप चाहते ही नहीं है कि उसका एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में हो। तो सबसे पहले यहाँ काम करो। यहाँ काम करोगे तो इसके और इसके बीच में लड़ाई होनी बंद हो जाएगी। सो ट्राई टू फोकस कि अब आपको उसका होना ना होना इज इक्वल टू हो गया। लाइक अगर कोई आपसे कहे कि 5 + 5 = 11 और आप कहो हाँ यस यू आर राइट, दिस इज कॉल्ड रियल डिटैचमेंट, कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन आप ये सीख जाएंगे, आप सचमुच खुश रहना सीख जाएंगे। और डिटैचमेंट लोग करते ही किस लिए हैं? अपने मेंटल पीस के लिए, अपने सेल्फ वर्थ के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। सो अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको उस रिश्ते से नहीं मिल रही है, चाहे दोस्ती हो, डेटिंग हो, प्यार हो, एनीथिंग, प्लीज़ डिटैच। इट्स अ रेड फ्लैग, ये एक सिग्नल है कि ये रिश्ता आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और ये प्रोसेस डिटैचमेंट आपको पहले यहाँ से करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली आप डिटैच हो जाएंगे एंड यू स्टे पॉजिटिवली हैप्पी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, स्पेशली फॉर योर मेंटल हेल्थ। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी ख्यालों वाली खिड़की और रेडियो सिटी गुजराती एंड रेडियो सिटी इंडिया। मेरा नाम जिया है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ख्यालों वाली खिड़की।